राह सेहत के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आप कैसे होंगे। तो आज हम बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी बना रहे हैं और वो है कैरी का मुरब्बा। आम आ चुके हैं, कैरी का मौसम आ गया है, कैरियां आ रही हैं और कैरियां आए और हम मुरब्बा ना बनाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये है 3 किलो कैरी और इसको मैं पील करूंगी और पील करके इसको क्रश करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये बना फिर रहा हूँ तो कैरी जो है वो पील कर ली है और अब इसको हम क्रश करेंगे और क्रश करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह ही उबला हुआ फिर रहा हूँ तो कैरी को मैंने क्रश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो सारा कचरा वगैरह निकाल लें और गुठलियाँ निकाल लें तो तकरीबन ये 2 किलो के आसपास हमारे पास कैरी है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में सारा क्रश कैरी है वो डाल दी है और इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 3 ग्लास पानी ऐड करूंगी और इसको हम पानी में अच्छा सा जोश दिलाएंगे। तो जो खट्टा पानी होगा उसे हम फिर निकाल लेंगे। ये 3 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छा सा चला लेते हैं पहले और इंतजार करते हैं कि इसमें अच्छा सा जोश आ जाए तो फिर हम इसको इस पानी को निकाल लेंगे। तो बन रहा है यहाँ पर बहुत ही मजेदार कैरी का मुरब्बा। तो ये देखे पानी में जोश आ गया है तो हम इसको छान लेते हैं और छान करके फिर आपको बताते हैं। तो व्यूवर्स देखें इसको मैंने अच्छा सा छान लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 1.5 किलो के आसपास। चीनी यहाँ पर ऐड हो गई है। तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमने चीनी इसमें ऐड कर दी है 1.5 किलो। खट्टा पानी हमने निकाल लिया है और कैरी हमने ली थी मीठी कैरी ली थी, बहुत ज्यादा खट्टी कैरी नहीं ली थी। और इसके लिए आपको पता है कि कलमी आम लिए जाते हैं तो कलमी आम जो है वो उसकी पहचान ये है कि जब आप उसको काटेंगे तो उसकी गुठली जो है वो कैसी होगी, बिल्कुल पतली होगी। ये ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि खट्टे आम ना लें, वैसे तो हम मीठे आम लें लेकिन फिर भी कच्ची कैरी होती तो उसमें खट्टापन तो होता ही है। तो खट्टा पानी हमने इसमें से निकाल लिया है और चीनी इसमें ऐड कर दी है और चीनी घुलने का इंतजार करेंगे और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कि चीनी जो है वो जुड़ ना जाए आपस के अंदर। तो हम इसके अंदर डालेंगे सिट्रिक एसिड टार्टरिक। तो उसके डालने से ये होता है कि चीनी जो है वो जमती नहीं है, मुरब्बा जमता नहीं है। देखें चीनी जो है वो घुल गई इसमें। इसी पॉइंट पर मैं डालूंगी यहाँ पर सिट्रिक एसिड। तो देखें तकरीबन जो है 1 टीस्पून था ये हमने डाल दिया इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छा सा। बच्चे बड़े सब बहुत ज्यादा शौक से मुरब्बा खाते हैं, नाश्ते में आप मलाई मिला लें इसके साथ, पराठे के साथ साथ खाएं तो बहुत ही मजा देता है और नाश्ता जो है वो जबरदस्त हो जाता है। तो जरूर जरूर इस रेसिपी को बनाएं। तो व्यूअर्स जब मुरब्बा बना रहे होते हैं तो ये झाग आए ना तो ये शुरू शुरू वाला झाग जो है हमें निकाल देना चाहिए। एक दफा मैंने आपको जो है स्ट्रॉबेरी की जैम भी बनाना सिखाई थी तो उस वक्त मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो झाग आ रहा होता है ऊपर शुरू शुरू का इसे हमें हटा देना चाहिए। इस तरह से हम हटा देंगे। तो कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे हम वो आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये दालचीनी और छोटी इलायची और लौंग। तो ये चीजें डालनी है के साथ जो है वो चाशनी अच्छी से पकेगी। तो मुरब्बा हमारा रेडी होने की तरफ जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसमें पिस्ते ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं और दूसरे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके साथ पक जाएगा अच्छा सा और थोड़ा सा हम रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। तो मुरब्बा हमारा तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से है। अब ये कि ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि और ज्यादा सेट हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसके कूल होने का
वेट कर लेते हैं। तो ये खट्टा पानी है जिसको कि मैं बॉटल में भर लूंगी और ये जो है वो मजेदार किस्म का शरबत बन गया कैरी का। तो जरूर जरूर इस रेसिपी को बनाएं और किसी चीज को भी जाया नहीं करें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है मुरब्बा ठंडा हो गया है, तो इसको हम कंटेनर में रख लेते हैं और ये कम अज कम 2 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। फ्रिज में रखें आप इसको और रोजाना जो है नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बहुत मजा देगा। इसको हम कंटेनर में निकाल लेते हैं। व्यूअर्स हमारे 2 कंटेनर जो है वो माशाल्लाह फिल हो गए, लेकिन ये मुरब्बा जो है वो 2 महीने नहीं चलेगा बल्कि 2 हफ्ते ही मुश्किल से ही चलेगा। जितने शौक से इसे खाया जाता है यूं बनाएंगे यूं चल जाएगा। तो जरूर जरूर बनाएं इस रेसिपी को। इसको हम गार्निश कर देते हैं। इसको हमने रखे अभी तो इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियां दे। आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को इजाजत दीजिए अपनी खुशी से। मोमिन हारिया सईद के साथ अल्लाह हाफिज़।